Hello everyone, welcome to Nucleon Heights Education. Today we will discuss another topic of organic chemistry, isomerism. So let's begin. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, जहां पर आप देख सकते हो आइसो पहला वर्ड है. आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, और वहीं मेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यहां पर मेरिज्म वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो दोस्तों आइसोमेरिज्म में बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उससे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, रिमेंबर, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे आइसोमर्स. उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म. इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं. बाय अ सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, देन दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड द इंटायर प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म. दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जहां पर फर्स्ट कैटेगरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकेंड कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे, और साथ ही आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो आप लोग पहले तो यहां पर आइसोमेरिज्म का क्या मीनिंग है ये नोट कर लो, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं ये नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे डिटेल में स्ट्रक्चरल को फिर स्टीरियो को कंप्लीट करते हैं. तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने देखा आइसोमेरिज्म के टू कैटेगरीज हैं, एक स्ट्रक्चरल है और एक स्टीरियो है. तो पहले स्ट्रक्चरल डिस्कस करते हैं वन बाय वन. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसका फर्स्ट पॉइंट है चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. देखो यार यहां पर बिल्कुल सिंपल है, मैं जो थ्योरी लिख रहा हूं वो इतनी सफिशिएंट है कि हम किसी भी लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में चेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और साथ ही प्लस लगा हुआ है, साथ ही डिफरेंट चेन होती है. अगर एक फॉर्मूले से डिफरेंट चेन बनाओगे तो इसका नाम चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहलाएगा. जहां पर फर्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल, हमें एक फॉर्मूला मिला है C5H12. अगर आप ध्यान से देखो तो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के यूज करके मैंने 3 टाइप की चेन बनाई हुई है, जहां पर आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, पेंटेन कहलाएगा. इस चेन में आप सेम फॉर्मूला है, यहां पर एक ब्रांच देख सकते हो, फॉर्मूला में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है गाइज, लेकिन ये चेन इस स्ट्रेट चेन से डिफरेंट है क्योंकि यहां पे सिंगल ब्रांच है. फिर यहीं अगर हम देखें तो यहां पर हमने उसी फॉर्मूले को लिया, लेकिन हमारे पास ब्रांच जो है वो डबल हो चुकी है. तो आप ध्यान से देखो, अगर आप देख सकते हो प्रॉपर, तो एक फॉर्मूले से हमने डिफरेंट चेन बनाई है. वही हमारा दूसरा एग्जाम्पल, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8. देखो यार बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं या उस पर कोई क्वेश्चन आया और हमें ऐसा कोई फॉर्मूला दिया जिसमें कार्बन से डबल हाइड्रोजन है, तो गाइज हमें साइक्लिक कंपाउंड बनाना पड़ेगा. रिमेंबर, साइक्लिक कंपाउंड. तो हम लोग देख सकते हैं C4H8 को जब हम साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे. अगर इस कंपाउंड में क्या लिखा है आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बस ध्यान से मेरी बात समझना. जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पे CH2 है. कैसे है मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, ये CH2, जितने कॉर्नर है उतने CH2 है. अब इसी फॉर्मूले से मैंने ये दूसरा साइक्लिक कंपाउंड बनाया और उसमें करा क्या, इसके पास जितने कॉर्नर है 1, 2, ये दोनों तो CH2 हैं, लेकिन ये वाले कॉर्नर पे बॉन्ड निकला हुआ है. बॉन्ड निकला है मतलब इस जगह CH है, यहां CH है, ये CH2 है, ये CH2 है. और अगर आप काउंट करो तो आप देख सकते हो
जितने फ्री कॉर्नर हैं वो सब CH2 हैं, जो कॉर्नर पे बॉन्ड निकला है वो CH है और उस CH के साथ CH3 जुड़ा है, काउंट कर लेना। यही फॉर्मूले से दोनों हमारी चेन बनी है, एक नॉर्मल चेन और एक ब्रांच चेन। तो गाइज इतना ध्यान रखना, सेम फॉर्मूला प्लस डिफरेंट चेन अगर होगी तो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। यहां पर हमारा नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि इसका नाम है वही हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज होती है, रिमेंबर, जैसे चेन आइसोमेरिज्म में चेन चेंज हो रही थी उसी तरह पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज होगी। और गाइस काहे की पोजीशन चेंज होगी तो यह आपके सामने लिखा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, यहां मैं कंप्लीट कर देता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके साथ डिफरेंट पोजीशन होगी। काहे की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, तो दोस्तों ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर बदल जाए, एक स्ट्रेट चेन है और उस पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए या डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, अगर इनमें से किसी की भी पोजीशन चेंज होगी तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो कंपाउंड हम लोग दोनों लिख रहे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर है। यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो ये कार्बन नंबर 1 पे OH आएगा। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, और यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे। जब मैं नंबरिंग करूंगा, चाहे राइट से करूं या लेफ्ट से, ये सेकंड कार्बन पे आएगा। सेम फॉर्मूला है लेकिन OH की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम इस डबल बॉन्ड को देख रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे आ रहा है ये कार्बन नंबर 1 है। वहीं सेम फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड आ रहा है इन दोनों कार्बन के बीच। अगर मैं नंबरिंग राइट से करूं या लेफ्ट से, डबल बॉन्ड जिस कार्बन का है वो सेकेंड कार्बन होगा। यहां फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ब्यूट 1-ईन और यहां सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2-ईन। नाम जरूर लिख लेना, इसका नाम होगा प्रोपेन 1-ऑल और यह है प्रोपेन 2-ऑल। यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर बेंजीन की पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे CH3 जुड़ा है। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर इसे कहते हैं ऑर्थोजाइलीन, XYLENE। यहां पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4 पे CH3 जुड़ा है, तो ये है पैराजाइलीन। आप देख सकते हो पोजीशन चेंज हो रही है। तो दोस्तों अगर पोजीशन चेंज होती है सब्स्टिट्यूएंट की, डबल ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की और फॉर्मूला सेम रहता है तो इसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जहां पे नीट और IIT JEE जैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिए जाते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है हम लोगों को पता है। अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उससे हम बना रहे हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम फॉर्मूले से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाओगे तो इसे कहेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो एक बात तो समझ में आ गई हम लोगों को कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप बनने वाले हैं डिफरेंट। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में भी यार हमने टेबल पढ़ी है, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हमें कोई फॉर्मूला दे दिया जाए, मान लो एक फॉर्मूला दे दिया गया हम लोगों को C2H6O, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस फॉर्मूले से सही फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बनने वाले हैं। तो गाइज इसके लिए बड़ी सिंपल ट्रिक है, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हो, डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हो और साथ में सिंगल ऑक्सीजन हो, नंबर ऑफ कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हो, फॉर एग्जाम्पल C2H6, हाँ, कार्बन से डबल हाइड्रोजन है प्लस 2 है और साथ में सिंगल ऑक्सीजन है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसे फॉर्मूले से जो फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल है और ईथर है। कैसे है मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
C2H6O ये फॉर्मूला है, इसमें आप देख सकते हो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन डबल प्लस 2 है, डबल मतलब 2 कार्बन से डबल हाइड्रोजन हो गए, 4, 4 प्लस 2, 6, 6 हाइड्रोजन है। तो कभी भी कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हो और सिंगल ऑक्सीजन हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और ईथर ही बनाना है। कैसे बनेगा हम लोग देख लेते हैं, हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं C2H5OH, काउंट कर लो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये अल्कोहल बन गया। और हम लोग अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं CH3OCH3। तो गाइस बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अगर कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 2 है साथ में सिंगल ऑक्सीजन है तो हमें सिर्फ मैक्सिमम 2 फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, अल्कोहल प्लस ईथर। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर कब बनते हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर नंबर ऑफ कार्बन से डबल हाइड्रोजन हो, सिर्फ डबल, और ऑक्सीजन 2 हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कार्बोक्सिलिक और एस्टर ही बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, C3H6O2। आप ध्यान से देखो, कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन है 2। गाइज इसे याद करने का एक ऐसा भी पैटर्न है कि आप ध्यान रखना, अगर कभी आपको कोई फॉर्मूला दिया है और उसमें कार्बन ऑड नंबर में है, ऑड 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर में कार्बन है और ऑक्सीजन डबल है, डबल ऑक्सीजन जब भी होंगे और ऑड नंबर में कार्बन होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ही बनेगा। कैसे बनेगा आप देखो, CH3CH2COOH, काउंट कर लो, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 है और ऑक्सीजन 2 है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ में बना रहा हूं ईस्टर। तो आप देख सकते हो ये बन गया है ईस्टर और ये बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों अभी फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी और भी ट्रिक्स है। तो बड़ा सिंपल है, अगर कार्बन इवन नंबर में है और सिंगल ऑक्सीजन है तो अल्कोहल एंड ईथर, अगर कार्बन ऑड नंबर में है और डबल ऑक्सीजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब इसके आगे क्या है मैं आपको बता रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो। हमारी नेक्स्ट ट्रिक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे, अगर हमारे पास कार्बन ऑड नंबर में हो और गई सिंगल ऑक्सीजन हो, सिंगल, अगर कार्बन ऑड नंबर में है और सिंगल ऑक्सीजन है तो 4 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन सकते हैं, 4। और ध्यान रखना आईआईटी नीट जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा, आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ध्यान रहे, अगर कार्बन ऑड नंबर में है, ऑड नंबर कार्बन और साथ में है सिंगल ऑक्सीजन, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो हमें दिया गया है फॉर्मूला C3H6O, आप देख सकते हो कार्बन ऑड नंबर में है, इवन में नहीं है, ऑड नंबर में है और सिंगल ऑक्सीजन है, अगर इवन में कार्बन होता तो अल्कोहल और ईथर बनता, सिंपल। लेकिन यहां 4 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बन सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, C3H6O ये एक फॉर्मूला दिया है, इससे क्या क्या पॉसिबल है तो देख लेते हैं हम लोग, CH3CH2CHO, जैसा कि आप देख रहे हो ये बन गया एल्डिहाइड, CH3COCH3 आप देख सकते हो ये बन गया है कीटोन, 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन गए। हम लोग देख सकते हैं ये बन गया हमारे पास अल्कोहल, लेकिन कौन सा अल्कोहल बना है, तो दोस्तों ये बना है अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड, काउंट कर सकते हैं हाइड्रोजन 6 है, 2 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6, फाइनली हमारा अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन गया। अनसैचुरेटेड अल्कोहल के बाद एक और एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3, और हम देख सकते हैं ये बन गया हमारे पास अनसैचुरेटेड ईथर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन 4 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हिंट याद रखना,
ऑड नंबर में अगर कार्बन है और सिंगल ऑक्सीजन है तो वी विल हैव फोर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ये हमारे लिए, और इनके नाम भी याद कर लेना, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन सकते हैं. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो. अभी फंक्शनल ग्रुप पे वो ट्रिक बची हुई है. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की हमारी नेक्स्ट ट्रिक गाइज, ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको गिवन फॉर्मूला, अगर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है और गिवन फॉर्मूले के बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बना सकता है या कितने फंक्शनल ग्रुप बना सकता है. तो ये भी स्पेशल है. डाइईन डबल बॉन्ड अगर टू प्लेसेस पर हो तो डाइईन कहलाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहते हैं. ये तभी बन सकता है जब फॉर्मूला हो CnH2n-2, कार्बन से डबल हाइड्रोजन माइनस टू हो, CnH2n-2. याद करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत स्पेशल है. हम लोग देख रहे हैं एक फॉर्मूला C4H6. C4H6 इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, हमने देखा, हमें मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला गया कि C4H6 कितने आइसोमर्स बना सकता है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना ये कंपाउंड कितने आइसोमर्स बना सकता है. तो देख लो आप लोग, पहला फॉर्मूले को C4H6 को मैंने देखा तो ये CnH2n-2 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन डबल माइनस टू है. तो मुझे इतना पता है कि ये डाइईन या अल्काइन बनाएगा, और डाइईन या अल्काइन जब बनाएगा तो आप देख सकते हो हम इसे कैसे लिख सकते हैं. ये पहला इसका आइसोमर जिसे हम डाइईन बोल रहे हैं. सेकंड आइसोमर ये भी डाइईन है, और ऐसा डाइईन जहां लगातार डबल बॉन्ड हो, कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो इन्हें एलीन भी बोलते हैं. ये स्पेशल डाइईन होते हैं, एलीन भी कहलाते हैं. और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड एल्काइन कहलाएगा. तो आप देख सकते हो अगर इस पैटर्न पे कोई फॉर्मूला आ गया तो वो डाइईन या अल्काइन बनाएगा. इसी तरह अगर फॉर्मूला है CnH2n-1 साथ में सिंगल नाइट्रोजन, तो ऐसी सिचुएशन में दो ही चीजें बन सकती हैं, या तो बनेगा साइनाइड या बनेगा आइसोसाइनाइड, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो दोस्तों अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो उससे आप बना सकते हो 3 type of isomers, क्योंकि डाइईन के भी 2 types हैं. एक नॉर्मल डाइईन जहां डबल बॉन्ड में गैप होता है, और जहां कॉन्जिकेटिव डबल बॉन्ड होते हैं तो वो स्पेशल डाइईन है, एलीन. तो कुल मिला के 2 types हो गए, और ये आ गया अल्काइन, 3 type. और अगर सिंगल नाइट्रोजन है CnH2n-1 के साथ तो ये बनाएगा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड. तो बेसिकली ये बना सकते हैं 2 types of isomers. तो गाइज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट करो. और यहां पर हमारे आइसोमेरिज्म का 4th part हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म या नाम से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, अभी तक तो क्लियर हो रहा था. चेन आइसोमेरिज्म में चेन बदल रही थी, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन बदल रही थी, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा था. लेकिन मेटामेरिज्म में क्या हो रहा है, इसके लिए आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मेटामेरिज्म में, नो डाउट, ये तो सब जगह है. उसके साथ होता है सेम फंक्शनल ग्रुप, रिमेंबर सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं, अनइक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक कंपाउंड देख रहे हैं C4H10O. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इवन नंबर में कार्बन हो और सिंगल ऑक्सीजन हो तो पॉसिबिलिटी एल्कोहल या ईथर की होती है. क्योंकि मुझे दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अनइक्वल दिखाना है तो मैं ईथर की तरफ जाऊंगा, एल्कोहल बनाकर शो नहीं कर सकते थे. हमने देखा ये हमारे पास फर्स्ट ईथर है इथॉक्सी ईथेन या डाई इथाइल ईथर, फिर ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये आ जाएगा हमारे पास 2-methoxypropane. गाइज ये तीनों फॉर्मूले में आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 है, और तीनों के साथ कॉमन बात यह है कि तीनों हैं ईथर. लेकिन इन तीनों ईथर में अगर आप ध्यान दो, इनका फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अनइक्वल है, यहां पे 2-2 है.
यहां पे वन और यहां पे थ्री है, तो नंबर ऑफ कार्बन अनइक्वल है, रिमेंबर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, C4H11N। ये तो यार बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन से डबल हाइड्रोजन नहीं है, डबल से कम हाइड्रोजन है, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन से डबल या डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है और साथ में नाइट्रोजन है तो एमाइन बनेगा। रिमेंबर, आप देख सकते हो यहां पर मैंने डाइथाइल एमाइन बनाया हुआ है, क्योंकि एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप के वन साइड मिथाइल है और अदर साइड प्रोपाइल है, और यहां फंक्शनल ग्रुप के वन साइड मिथाइल है और अदर साइड आइसोप्रोपाइल है, आइसो। तो आप देख सकते हो गाइज, यहां पर मैंने सेम फंक्शनल ग्रुप रखा है, लेकिन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन या एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हमारा फिफ्थ पार्ट है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि यहां होता है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और वहां पर हाइड्रोजन एटम वन पॉलीवेलेंट एटम से किसी दूसरे पर जाकर शिफ्ट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का सेकेंड नेम जो है वो आप देख सकते हो, ये मैंने अलग से लिखा हुआ है, डेस्मोट्रोपिज्म। तो गाइज याद रखना, डेस्मोट्रोपिज्म या टॉटोमेरिज्म सेम होता है। सबसे पहले टॉटोमेरिज्म में हम देखते हैं एग्जाम्पल में डायड सिस्टम। डायड सिस्टम के अंदर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन एटम जो आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन एटम किसी एक पॉलीवेलेंट एटम से सेकेंड पॉलीवेलेंट एटम पर शिफ्ट होता है। इसे वन टू शिफ्ट कहते हैं। अभी पहला पॉलीवेलेंट एटम कार्बन है और सेकंड पॉलीवेलेंट एटम नाइट्रोजन है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलकर नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एच जो है वो एन से बॉन्ड बना लेगा और एन के साथ सी तो ऑलरेडी जुड़ा है, तो हाइड्रोजन साइनाइड की जगह ये हो जाएगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। गाइज इस बात का ध्यान रखना, एल्काइल साइनाइड को अगर मैं एल्काइल आइसोसाइनाइड बना दूं तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। सो रिमेंबर, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। कभी भी एल्काइल ग्रुप अगर है और उसमें साइनाइड को आइसोसाइनाइड बना रहा है तो वो टॉटोमेरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। रिमेंबर, टॉटोमेरिज्म कहां होता है, हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। वहीं हम ट्रायड सिस्टम देखते हैं, तो ट्रायड सिस्टम में आप देख सकते हो, मैं अगर सीक्वेंस से देखूं, ये फर्स्ट पॉलीवेलेंट एटम, ये सेकंड पॉलीवेलेंट एटम और ये थर्ड पॉलीवेलेंट एटम। फर्स्ट पॉलीवेलेंट एटम का हाइड्रोजन निकला और वो चला गया थर्ड पे, यहाँ 1-3 शिफ्ट होती है, 1-3। अगर 1-3 शिफ्ट होगी तो ट्रायड सिस्टम कहलाएगा, 1-2 में डायड कहलाता है। तो ये बेसिकली ये है कीटोन। कीटोन को मैंने लिखा कीटो। कीटो, और यहां पर आप देख सकते हो जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये OH बन जाएगा और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखते हैं, ENE, और OH के लिए ऑल लिखते हैं, तो लास्ट का ई हटा के मैं लिख रहा हूं ऑल, तो ये कहलाता है कीटो एनॉल। गाइज जहां पर भी कीटोन प्रेजेंट होता है ना, वहां कीटोन 99.7% अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहता है, कीटोन ही रहता है। लेकिन 0.3% कीटोन जो है वो कभी कभी इनॉल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। रिमेंबर, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कीटो फॉर्म के साथ थोड़ा बहुत इनॉल फॉर्म भी होता है, लेकिन कितना होता है, 0.3%। तो इसे हम लोग मानते हैं नेग्लिजिबल। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कीटो एनॉल में कौन ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है और कौन ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है, तो कीटो फॉर्म ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की लेंथ को देखते हुए इस टॉपिक को यहीं पर हमें रोकना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगर कुछ भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर सजेस्ट करें। अगर बोर्ड के
फॉन्ट्स को लेकर या बैकग्राउंड को लेकर या किसी भी बात को लेकर, इवन मटेरियल को लेकर अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर सजेस्ट करें, वरना हमारे दिए गए मेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।